बताएंगे आपको कि एग्जैक्ट कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं डीएलएड में। डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम जो अभी होने वाला है, इस एंट्रेंस एग्जाम में डीएलएड के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उन सब्जेक्ट में कौन कौन कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे। देखिए, सबसे पहला आपको पूछा जाएगा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। अब जनरल हिंदी में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वह 25 होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से जो अंक होगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए वह 25 अंक निर्धारित होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स में गणित से आपको पूछे जाएंगे 25 प्रश्न, गणित से 25 प्रश्न, मैथ से पूछे जाएंगे आपको 25 प्रश्न, और उसके लिए भी निर्धारित अंक होगा 25। विज्ञान में, साइंस में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए निर्धारित अंक होगा 20। सामाजिक अध्ययन यानी SST में आपको पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन और इसके लिए निर्धारित अंक होगा 20। सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके निर्धारित अंक होंगे 20। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में आपको पूछा जाएगा टोटल 10 क्वेश्चन और उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 10। तो इस तरह से टोटल जो है सो नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या है यह आपको 120 क्वेश्चन है और इन 120 क्वेश्चन में आपको 120 अंक निर्धारित हैं। अब जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनके जो मुख्य टॉपिक हैं उन मुख्य टॉपिक को आपको देखना होगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर है आपको सामान्य हिंदी, तो इसमें कुछ प्रश्न व्याकरण से पूछे जाएंगे, कुछ क्या मैक्सिमम प्रश्न व्याकरण से पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो साहित्य से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको ये कहा जा सकता है कि खड़ी बोली हिंदी के जनक कौन है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किए थे, या फिर वीर रस की कविता लिखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, तो सुभद्रा कुमारी चौहान किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन थे। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, तो पद्मावत जो है वह किसकी रचना है, गोदान, गबन, कफन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन इत्यादि जो उपन्यास हैं, जो कहानियां हैं, जो प्रेमचंद से के द्वारा लिखी गई है, तो इसके संबंध में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं और जो कहानियां हैं उनसे प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद है मैथ, गणित। गणित में आपको जो क्वेश्चंस मैथ के होते हैं, जैसे प्रतिशतता, लाभ हानि, शेयर लाभांश, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, इन यानी मूल रूप से आपको 9th 10th का ये मैथ कंप्लीट करना है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, बड़े सरल करने वाले प्रश्न होंगे जिसमें सरल किए जाते हैं, सिंप्लीफाई होगा, एलजेब्रिक क्वेश्चन होगा, इसको हल करना पड़ेगा। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिर पॉलिटिकल साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और उसके कुछ जो छोटे मोटे चीज़ हैं उनको जानना पड़ेगा। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी में मूल रूप से आपको व्याकरण पूछे जाएंगे और हो सकता है इसमें आपको जिस तरह से हिंदी में गद्यांश पूछे जाते हैं, हिंदी में भी गद्यांश पूछे जा सकते हैं, उसी तरह से पैसेज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको तैयार करना चाहिए। इसमें रीजनिंग के जो है उन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई होप कि आप हमारे साथ हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं। धीरे धीरे हम इस तैयारी को अच्छे ढंग से तैयारी की ओर अग्रसर रहेंगे और निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। जय हिंद।